रवि कैंतुरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनसे भी अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीएम धामी इस मामले पर गंभीर हैं, उनकी लगातार नजर है रवि, और आज मुख्यमंत्री शाम 6 बजे बैठक करेंगे, तमाम विभागों के सचिव अधिकारी मौजूद रहेंगे, उस बैठक को लेकर अपडेट दीजिए। बिल्कुल कौशल, देखिए आज मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं, हाई लेवल की बैठक है जिसमें जोशीमठ को लेकर आगे क्या निर्णय लिए जाने हैं इसमें तय होना है। इस बैठक में चाहे आपदा प्रबंधन सचिव हो, SDRF के DIG हो, पुलिस के बड़े अधिकारी हो, और इसके साथ ही सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो लोग देहरादून में हैं वो यहाँ पर जुड़ पाएंगे और जो लोग वहाँ पर नहीं हैं वो वर्चुअली तौर पर मुख्यमंत्री की इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आज की इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर सबकी नज़र है कि जोशीमठ शहर जिसका अस्तित्व संकट में है, जहाँ पर तमाम जो जिंदगियाँ हैं वो खतरे में हैं, उनको कैसे बचाया जा सके और इस पर क्या एक प्लान जो आगे सरकार का है वो तमाम चीज़ें जो है आज इस बैठक के बाद साफ हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें तो सरकार की ओर से वहाँ पर एक टीम भेजी गई है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो विशेषज्ञों की टीम वहाँ पर अपनी पूरी रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार की है वो आज इस बैठक में बताएंगे कि यहाँ पर अगला प्लान क्या होना चाहिए और किस तरीके से इतनी जिंदगियाँ जो खतरे में है उनको कैसे बचाया जा सकता है, जोशीमठ शहर के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ पर जिस तरीके से दरारें आ रही हैं उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। जिस तरीके से शुरुआत में कुछ कारण आए थे कि सीवियर का वहाँ पर दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं है, अलकनंदा नदी का कटाव हो रहा है, ये जो तमाम दिक्कतें जो आई हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, क्या ऐसा प्लान बन सकता है कि वहाँ पर शहर के अस्तित्व को बचाया जा सके, लोग वहीं रहें, या फिर इतना खतरा वहाँ पर जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है क्या वहाँ से तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, और क्या जोशीमठ शहर जो है उसका अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा, उस पर क्या सरकार अपनी ओर से प्लान तैयार कर रही है, वो तमाम चीज़ें हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में देहरादून में होगी, मुख्यमंत्री धामी इस बैठक को लेने जा रहे हैं और उस पर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी राय ली जाएगी, और जो विशेषज्ञों की टीम भेजी है अभी तक उनकी रिपोर्ट में क्या आया है वो तमाम चीज़ें जो है उनसे पूछी जाएगी। जो विशेषज्ञों की टीम की आप बात कर रहे हैं वो 3 दिन के दौरे पर पहुंचने वाली थी जोशीमठ, जिस तरह जो मुझे जानकारी है 3 दिन के दौरे पर, क्या वो टीम का जो उसने सर्वे किया, क्या किन किन चीजों पर उन्होंने गहन मंथन किया, क्या वो टीम अभी भी जोशीमठ में मौजूद है, इससे जुड़ी कुछ बातें सामने आ पा रही है क्या? बिल्कुल कौशल, देखिए सचिव आपदा प्रबंधन जो है रंजीत सिन्हा, उनके ही नेतृत्व में ही उनकी अध्यक्षता में ये टीम वहाँ पर गई है। उसमें वाडिया के जो वैज्ञानिक हैं वो वहाँ पर हैं, उसमें IIT रुड़की के जो भूवैज्ञानिक हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और ये टीम अभी जोशीमठ में मौजूद है। 3 दिन से ये लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्रैक्स आए हैं और जिस तरीके से पानी वहाँ पर आ रहा है, जो मटमैला पानी है, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये कुछ समय के भीतर बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से लोग इस बात को कह रहे थे कि उनके घर में दरारें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से दरारें बढ़ी हैं और जिस तरीके से अब पानी वहां पर मटमैला पानी आने लग गया है, लोग खुद 5 परिवार तो ऐसे जो दहशत से खुद ही सरकार के शिफ्ट करने से पहले ही वहां से चले गए थे, तो वहां पर अभी उन्होंने तमाम चीजें देखी हैं, वैज्ञानिक हैं वो देख रहे हैं कि क्या इस पे हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक चीजें ये आई है कि जो पूरा शहर है ये एक मिट्टी के टीले पर बसा हुआ शहर है, नीचे से मजबूत नहीं है, कोई मजबूत चट्टान नहीं है, यही वजह रही। और एक इसमें सबसे बड़ा कारण आया था अनियंत्रित जो निर्माण हुआ है, जोशीमठ जो शहर है उसकी जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्त के साथ साथ अब 7-7 मंजिला होटल वहां पर बन गए, और इन होटल के बनने के बाद वो उतनी उसकी क्षमता नहीं है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां पर एक तो प्लान जो आगे से किया जाएगा, जो भी निर्माण होगा वो एक प्लान तरीके से होगा और किस तरीके के निर्माण की वहां पर बातें होती है, क्योंकि फिलहाल चाहे अभी वहां पर NTPC के जो काम चल रहे थे, हेलंग में जो काम चल रहे थे, नगर पालिका के जो काम चल रहे थे, तमाम निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है, अभी वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, फिलहाल लोगों की जो जिंदगी जोशीमठ को बचाना है यही हर एक इंसान उम्मीद लगाए बैठा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर ना करे कि उनके साथ कोई अनहोनी हो, घरों को उनके घर सुरक्षित रहें, शासन प्रशासन की नज़र है, PMO की नज़र है, खुद CM पुष्कर सिंह धामी गंभीर हैं, बैठक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया और ध्रुव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।